गाइस वेलकम बैक टू रियलिटी तरका। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले स्प्लिट्सविला 13 के आइडियल मैचेस के बारे में। हालांकि शो में अभी भी किसी भी कंटेस्टेंट को आइडियल मैचेस बनते हुए नहीं देखा गया है, तो दर्शकों के मन में उत्सुकता भी भरपूर होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 6 कन्फर्म आइडियल मैचेस विद प्रूफ, ताकि आप लोगों को भी एश्योरिटी मिल जाए। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। स्प्लिट्सविला 13 की फर्स्ट आइडियल मैच होंगे कैट क्रिस्टीन एंड केविन। कैट एक मॉडल है एंड केविन एक एमएमए फाइटर है, और इन दोनों की केमिस्ट्री शो में दर्शकों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है। और ये दोनों फर्स्ट डे से ही एक दूसरे के साथ में टास्क परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं और आगे भी दिखेंगे और आइडियल मैच भी बनेंगे। एंड स्प्लिट्सविला 13 के सेकेंड आइडियल मैच होंगे निखिल एंड भूमिका। जी हाँ दोस्तों, शॉक मत होइए, निखिल एंड भूमिका होंगे स्प्लिट्सविला 13 की सेकेंड आइडियल मैच। हालांकि पिछले एपिसोड में हम लोगों को देखने को मिला निखिल एंड अवंती का अभी गोल्डन विला में है, लेकिन आगे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से भूमिका एंड निखिल साथ में परफॉर्म करेंगे। और इस पिक्चर में भी आप लोग देख सकते हो इन दोनों को साथ में परफॉर्म करते हुए, और ये दोनों आइडियल मैच भी बनेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं स्प्लिट्सविला 13 की थर्ड आइडियल मैच की। तो ये कपल स्प्लिट्सविला 13 में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही गेस किया, थर्ड आइडियल मैच है व्योमेश एंड आरुषि। इन दोनों की केमिस्ट्री शो के पहले डे से ही दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी। हालांकि कुछ कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से ये दोनों अभी एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आने वाले एपिसोड में आप लोगों को ये दोनों साथ में परफॉर्म करते हुए दिखेंगे और आइडियल मैच भी बनते हुए दिखेंगे। सो हमारी फोर्थ कन्फर्म आइडियल मैच है जय एंड अदिति। जय एंड अदिति फर्स्ट डे से ही एक दूसरे के साथ में परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, और आगे भी इन दोनों को साथ में परफॉर्म करते हुए स्पॉट किया गया है। ये दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत ही अच्छा बॉन्ड शेयर करते हुए दिख रहे हैं, और इन दोनों को आगे गोल्डन विला में स्पॉट किया गया है। इसका मतलब ये दोनों एक आइडियल मैच है। हमारी फिफ्थ आइडियल मैच है ध्रुव एंड सपना। ध्रुव शो के स्टार्टिंग में निकिता के साथ में कनेक्शन बनाते हुए दिख रहे थे, लेकिन पिछले एपिसोड से निकिता ध्रुव की कनेक्शन काफ़ी फीकी फीकी नज़र आ रही है। ऐसे में सपना की वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है और ये दोनों एक साथ में परफॉर्म करने लगते हैं और बाद में आइडियल मैच भी बन जाते हैं। तो हमारा सिक्स एंड मोस्ट शॉकिंग आइडियल मैच है शिवम एंड पलक। शिवम शो के स्टार्टिंग में रिया के साथ में एंड पलक शो के स्टार्टिंग में निखिल के साथ में कनेक्शन बनाते हुए दिख रहे थे, लेकिन आगे चलकर शिवम एंड पलक साथ में कनेक्शन बनाएंगे और एक आइडियल मैच बनेंगे। इसके अलावा समर्थ एंड निकिता का भी चांसेस है आइडियल मैच बनने का, लेकिन इन दोनों का मुझे कन्फर्म नहीं पता है, तो मैं आप लोगों को एश्योरिटी नहीं दे सकती। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट में मुझे बताइए आप लोगों का फेवरेट आइडियल मैच कौन है।